स्वागत, आप देखना शुरू कर चुके हैं एमपी अब तक। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत जबलपुर से बड़ी खबर के साथ। एनसीईआरटी की नकली किताबें बेचने का ही पूरा मामला है और दिल्ली से जांच के लिए एनसीईआरटी की बाकायदा एक टीम पहुंची है। शहर की कई किताब दुकानों में छापे की कार्रवाई की जा रही है। सबसे खास बात की ये टीम अभिभावक बनकर पहुंची। अधिकारी जो थे अभिभावक बनकर पहुंचे। दो किताब विक्रेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दो दुकानों से 1000 नकली किताबें जब्त की गई हैं। जांच के लिए दिल्ली से एनसीईआरटी की टीम जबलपुर पहुंची है और नकली किताबें बेचने का ये पूरा मामला है। दो जो किताब विक्रेता हैं, पुस्तक विक्रेता हैं, बुक स्टोर हैं, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दो दुकानों से 1000 नकली किताबें मिली हैं। एनसीईआरटी की टीम नकली किताबें बेचने का पूरा मामला। जबलपुर पहुंची है टीम, दिल्ली से जबलपुर पहुंची है। अभिभावक बनकर ये दुकानों में गए, कहा पुस्तक दिखाओ, फिर पुस्तक देखी और जब समझ आया कि ये पुस्तक उस गुणवत्ता की नहीं है, उस तरह की नहीं है, तो मामला भी दर्ज किया गया। सहयोगी प्रशांत कटारे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा प्रशांत के पास आपको लिए चलेंगे। प्रशांत, क्या कुछ अपडेट इस मामले में, नकली किताबों के मामले में? प्रशांत, देखिए आप बता भी रहे थे ललित, दरअसल कार्रवाई हुई है एनसीईआरटी की। जो दिल्ली से टीम पहुंची थी उसने अभिभावक बनकर चूंकि शॉप्स पर पहुंचे और बड़ी संख्या में न केवल किताबें जब्त की बल्कि एक्शन भी शुरू हो गया। लेकिन सोर्सेज बता रही है अभी शुरुआत है और ये महज 1500 एक बहुत छोटा आंकड़ा है जो नकली किताबें दरअसल मार्केट में बेची जा रही थी एनसीईआरटी के नाम से। इसके पीछे का जो बड़ा खेल है वो दरअसल रॉयल्टी और जो रॉयल्टी जाती है अलग अलग लेखकों के नाम पर, वो एक बड़ी वजह है। और ऐसे में और ना तो वो क्वालिटी होती है, ना कई बार वो तथ्य या मैटर होता है, नाम केवल एनसीईआरटी के नाम से बेच दिया जाता है। और यही एक बड़ा खेल पूरे जबलपुर शहर में चल रहा था। और ये केवल दो दुकानें नहीं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं बल्कि कई और ऐसी शॉप्स हैं जो जहां तक हो सकता है कि अब अगर एनसीईआरटी जाए इस खबर के बाद, हो सकता है कि ये तमाम जो सेलर्स हैं वो अंडरग्राउंड हो जाएं, शॉप से किताबें हटा दी जाएं। लेकिन ये बड़ा एक रैकेट है जो चल रहा था। आपको इससे पहले याद होगा कि जबलपुर में इस तरह की गतिविधियां अक्सर होती रही। जब रेमडेसिविर इंजेक्शन, नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का जिक्र हुआ था कोरोना काल में, तब भी जबलपुर भी उसका एपिक सेंटर सामने आया था बनकर। और अब नकली किताबों को लेकर जबलपुर से ये बड़ी खबर आ रही है। ललित, दूसरी बात यह कि केवल जबलपुर नहीं, अगर हम ये कहें थोड़ा और अंदर जाएंगे तो हो सकता है कि ये किताबें हमें जबलपुर शहर से बाहर दूसरी जगह भी सप्लाई चेन हो सकता है, बिल्कुल निकल कर आए। लेकिन अभी जांच का विषय है, जांच हो रही है और जांच के बाद हो सकता है जल्दी तस्वीर इस पर साफ भी हो जाए। मतलब जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा ये जो परतें हैं और ज्यादा खुलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी प्रशांत विस्तार से जानकारी दे रहे थे और प्रशांत जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ेगी ये पूरा जो नेक्सस है ये धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। 5/2024 को व्यापार प्रबंधक एनसीईआरटी नई दिल्ली से भूपेंद्र सिंह एवं दीपक जायसवाल ने थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पत्र पेश किया। आवेदन प्राप्त होने पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर एक टीम गठित कर विनय सक्सेना, विनय बुक डिपो एवं नेशनल बुक डिपो के खिलाफ एनसीईआरटी की नकली बुक बेचकर भारत सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की शिकायत किया था। उसको मौके पर जाकर तस्दीक किया। शिकायत सही पाए जाने पर विनय बुक डिपो एवं नेशनल बुक डिपो के खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दतिया पहुंचे। यहां उन्होंने भिंड दतिया लोकसभा सीट से बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं संध्या राय, उनके समर्थन में भांडेर तहसील के मेला ग्राउंड में एक जनसभा की। सीएम ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं उन्होंने कहा कि इस इलाके के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जब भी जरूरत होगी लोग मुझसे आकर मिले, मैं उनके लिए हमेशा उपस्थित रहूंगा। सांसद सब बेटे आप हमारे पास आना।
और गुना के अशोकनगर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में चुनावी सभा करने पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तंज कसा। उन्होंने घोषणा पत्र में बताए गए विरासत कर की तुलना मुगल शासक औरंगजेब के जजिया कर से की। औरंगजेब सबसे क्रूर मुगल बादशाह था। औरंगजेब ने एक कर लगाया था, उसका नाम है जजिया कर। आज कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो में जजिया कर की बात करती है। ये जजिया कर क्या है? जो उन्होंने विरासत टैक्स की बात की है। नोएडा के बाद सीएम योगी ने मध्य प्रदेश में अशोकनगर का भी एक मिथक तोड़ दिया कि यहां कोई भी मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए नहीं आता, क्योंकि ऐसा मिथक है जो भी सीएम अपने पद पर रहते हुए अशोकनगर जाता है उसे अपनी कुर्सी गंवानी पड़ती है। इसके चलते शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहते हुए कभी अशोकनगर नहीं गए, लेकिन इस मिथक को सीएम योगी तोड़ चुके हैं। कांग्रेस मानती है कि ऐसा मिथक अक्सर चर्चा में होता है, वहीं बीजेपी का कहना है कि इस तरह के मिथक कांग्रेस पार्टी और उनके नेता मानते हैं जो जनता के बीच काम नहीं करते। बीजेपी के साथ जनता और ईश्वर दोनों का आशीर्वाद है। तरह के मिथक कांग्रेस पार्टी और उनके नेता मानते हैं जो जनता के बीच में काम नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री योगी जी नोएडा भी होके आए, पहले नोएडा में भी मिथक माना जाता था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उज्जैन में भी रात रह के आए और बताया कि भगवान महाकाल का आशीर्वाद उनके साथ है। तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ईश्वर का भी आशीर्वाद है, जनता का भी आशीर्वाद है। ये सारे मिथक और बहानेबाजी केवल कांग्रेस के नेताओं के लिए हैं जो जनता के बीच में दूर हो गए हैं। भोपाल में मतदान बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने अनूठी पहल की है। इस अनूठी पहल पर भोपाल कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि हम वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए अलग अलग गतिविधियां कर रहे हैं। इसके अलावा जो पहला वोटर होगा उसे सम्मानित किया जाएगा, हर 3 घंटे में लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। हमने वोटिंग समाप्त होने के बाद आखिर में मेगा लकी ड्रॉ का भी आयोजन किया है। जो कोई भी व्यक्ति सबसे पहला वोटर होगा, हु विल बी द फर्स्ट वोटर, उसको हम सम्मानित करेंगे बैच लगा के। प्रत्येक बूथ पर हम जो है हर 3 घंटे में 3 इनाम निकालेंगे लकी ड्रॉ के माध्यम से। यानी कि जैसे 3 घंटे हो जाएंगे वैसे ही जितने लोग वोट डाल के और उसमें अपना नाम मोबाइल नंबर लिख के और हमारे पर्ची डालेंगे उसमें से हम 3 पुरस्कार देंगे और उन लोगों को जो है हम पुरस्कार देंगे जिनके भी लकी ड्रॉ में निकलेंगे, फोन करके उनको बुला के और उनको सम्मान देंगे। बम्पर लकी ड्रॉ भी करेंगे, वो नेक्स्ट डे करेंगे। तो वो जितने भी लोग लकी ड्रॉ में भाग लेंगे उन सभी लोगों का फिर एक मेगा लकी ड्रॉ होगा जिसमें 200 इनाम हम देंगे लोगों को। दतिया में मतदान को लेकर अनोखे तरीके से जागरूकता अभियान चलाया गया। चुनाव आयोग के स्वीप प्लान के तहत निर्वाचन अधिकारियों ने कुसौली गांव में एक रैली निकाली। इस दौरान सीईओ कमलेश भार्गव ने बैलगाड़ी पर बैठकर पूरे गांव में घूम घूम कर मतदाताओं से मतदान करने की अपील की और सभी से निडर होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। गौरतलब है कि पिछले 2 चरण में मतदान प्रतिशत कम देखने को मिला और इसके चलते आयोग हर मतदाता से वोट डालने की अपील कर रहा है। इधर तीसरे और चौथे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए बीजेपी ने अपने पदाधिकारियों को भी टारगेट दे दिया है। बीजेपी ने वार्ड पार्षद से लेकर विधायक तक को 50 वोट डलवाने का टारगेट दिया है। बीजेपी के प्लान पर कांग्रेस तंज कस रही है कि पहले हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का टारगेट दिया था और इसकी पहले और दूसरे चरण में हवा निकल गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव के श्री गणेश से उत्साहित है और प्रथम दिन के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प किया है कि अब की बार फिर मोदी सरकार फिर 400 के पार, और उसके लिए हर मतदान केंद्र पर देश में 85 लाख मतदान केंद्र, हर मतदान केंद्र पर 370 से अधिक मत पिछली बार की तुलना में हमारा प्रयास है। देखिए, हताश है, निराश है। पूर्व मंत्रियों के बयान बता रहे हैं, जिस तरीके से वो धमकियां दे रहे हैं पुलिस को, चुनाव आयोग का के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, अब साफ साफ दिख रहा है तानाशाही गुंडागर्दी जो चल रही है उसी के दम पर है। कोई वोट डालने को तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। बड़ी बड़ी बातें करी, 370 वोट डलवाएंगे, ऐसा कर देंगे हम और 400 पार लेके आएंगे। ना 400 पार सीटें दिख रही हैं, ना 370 वोट दिख रहे हैं, हारती हुई दिख रही है। ये बुरी स्थिति हो गई है कि मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में 20 सीटों पर पूरी तरीके से सुपड़ा साफ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के इमरती देवी पर दिए गए विवादित बयान पर कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया सेल प्रमुख पवन खेड़ा
नरेंद्र सिंह तोमर को इस विवाद में खींच लाए। उन्होंने कहा कि ऐसा ही विवादित बयान तो भाजपा के नेता नरेंद्र सिंह तोमर ने दिया था। वहीं पवन खेड़ा के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता अजय यादव ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस के नेता अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। की तरफ से नहीं था ये, नरेंद्र तोमर जी के शब्द थे जो जीतू पटवारी सिर्फ कोट कर रहे थे, उद्धृत कर रहे थे कि इन्होंने ये कहा। वो मिसकम्युनिकेट हुआ होगा, लेकिन इसी तरीके से आप लोगों का ध्यान फिर से नरेंद्र तोमर जी की इस हल्की टिप्पणी पे गया। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता जिस तरह से अमर्यादित बर्ताव करते हैं और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व ऐसे अमर्यादित बयान देने वाले नेताओं का बचाव करते हैं, ये कांग्रेस पार्टी का घोर निंदनीय बर्ताव है। इधर पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी के इमरती देवी पर दिए गए बयान पर हरदा में पूर्व मंत्री कमल पटेल ने कहा कि इमरती देवी सम्मानित महिला हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं का अपमान करना कांग्रेस की संस्कृति रही है। हमेशा ही महिलाओं का अपमान करती रही है और अनर्गल बयान देते रहे। तंदूरी कांड करने वाले कांग्रेसी हैं, महिलाओं पर अत्याचार करने वाले कांग्रेसी हैं और इमरती देवी एक सम्मानित जनप्रतिनिधि, केंद्र में प्रदेश में मंत्री रही, कैबिनेट पहले कांग्रेस में थी, भाजपा में आई। तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने जो उनके बारे में अपमानजनक शब्द किए, पहले तो माफी मांगना चाहिए। इधर अशोकनगर में जीतू पटवारी के बयान पर विरोध जारी है। शहर में गांधी पार्क में महिलाओं ने जीतू पटवारी का पुतला जलाया, मुर्दाबाद के नारे लगाए। महिलाओं ने कहा कि जीतू पटवारी को कूरियर से चूड़ियां भेजेंगी। जीतू पटवारी आम सभा में शामिल होने के लिए अशोकनगर कल आने वाले हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भोपाल श्योपुर जिले के आदिवासी विकासखंड कराहल और गौरस गांव पहुंचे। यहां उन्होंने आदिवासी महापंचायत और नारी शक्ति के कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट को लेकर प्रदेश की 29 सीटें जीतने का दावा किया और जीतू पटवारी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जीतू पटवारी और क्या बोल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी मुरैना श्योपुर लोकसभा से भी जीतेगी और हम 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में जीतेंगे। भाई साहब, जीतू पटवारी ने बयान दिया था और कहा था कि गबर की माहौल है, क्या कहेंगे जीतू पटवारी इसके अलावा और क्या कह सकते हैं। इधर झाबुआ लोकसभा चुनाव में जुबानी जंग जारी है। वन मंत्री नागर सिंह चौहान ने विक्रांत भूरिया के बयान पर पलटवार किया और उन्हें भुगतने की चेतावनी दी। आपको बता दें कि चुनावी मैदान में विक्रांत भूरिया लगातार नागर सिंह चौहान और उनके परिवार पर निजी हमले कर रहे हैं, डाकू चोर जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हत्या के आरोप लगा रहे हैं। मंदिर में कत्लेआम किसने करा था? नागर सिंह जी ये बता दे। जिस प्रकार मेरे बारे में बोल रहे हैं, बहुत भयंकर भुगते गाने वाले टाइम देख लेना, बहुत भयंकर भुगते। अभी तक पाला किसी से पड़ा नहीं है, पाला नागर सिंह चौहान से पड़ा, माधव सिंह डावर से पड़ेगा क्यों? उसको मालूम नहीं है ये कौन सी खेत की मूली है, इसको पता नहीं है। आखिर नागर सिंह जी के अंदर का डाकू जाग ही गया और जो बौखलाहट उनके चेहरे पर दिख रही है ये हार की बौखलाहट है। जब उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर विक्रांत भूरिया को भुगतना पड़ेगा तो ये उनका अहंकार था। नागर सिंह जी, मैं भी डॉक्टर हूं, सर्जन हूं, अच्छे अच्छों का इलाज कर दिया है, तो आप किस खेत की मूली हो। इधर पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए अक्षय कांति बम को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कौन अक्षय बम, उन्हें कोई नहीं जानता, अक्षय बम नेता नहीं है, बीजेपी में उनकी कोई जरूरत नहीं थी। कोई बहुत बड़े नेता तो है नहीं, सच मानो तो जी। क्योंकि हमने जो चुनाव लड़े प्रकाश चंद सेठी से लेके महेश जोशी करके, अच्छे अच्छे नाम उस समय थे, तो वो देखा जाए तो ऐसे कोई बड़े नेता नहीं है, लेकिन ठीक है, कांग्रेस के उम्मीदवार थे। अब वो क्यों आए बीजेपी में, क्या है, आवश्यकता तो हमें नहीं थी, हम तो जीत ही रहे थे, मगर आए क्यों, आए क्या है? मुझे मालूम नहीं, मैं आजकल घर पे बैठी हूँ। और अब बड़ी खबर जबलपुर से, जहां हाईकोर्ट ने पत्नी की पति के खिलाफ, दरअसल पति के खिलाफ एक जो याचिका लगी हुई थी उसे खारिज कर दिया है। पत्नी की याचिका थी, अननेचुरल सेक्स की एफआईआर खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि पति पत्नी के बीच अननेचुरल सेक्स रेप नहीं होता।
पत्नी ने पति पर साल 2023 में अननेचुरल सेक्स की एफआईआर दर्ज करवाई थी। पति ने पत्नी की तरफ से कराई गई एफआईआर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। शादी के बाद से ही दोनों के बीच विवाद चल रहा था। 4 साल से दोनों अलग अलग रह रहे हैं। 2019 में दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी। 2021 में पति समेत सास ससुर ननद के खिलाफ कोतवाली थाने में दहेज का मामला भी गया। पति ने जबलपुर कुटुंब न्यायालय में तलाक की अर्जी लगा दी। अपने खिलाफ एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। आईपीसी की धारा 377-506 के तहत एक और शिकायत भी की गई। उस पिटीशन में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति महोदय श्री जी एस अहुवालिया साहब ने पूरी प्रोसीडिंग को क्रॉस क्वेस्ट कर दिया है, ये कहते हुए कि अगर पति और पत्नी के मध्य अननेचुरल सेक्स होता है 377 आईपीसी के तहत, तो पति पत्नी अगर वो पत्नी 15 साल से ऊपर है तो वो इस श्रेणी में नहीं आता है, अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। और इसे भी ध्यान रखिएगा कि जबलपुर हाईकोर्ट का ये जो फैसला है ये आगे जाके चर्चाओं का बेस बनेगा, कानूनी चर्चाओं का। बात करेंगे रायसेन से आई खबर की। यहां एक स्कूटी सवार युवक की दबंगई सामने आई है। स्कूटी सवार ने चलती एम्बुलेंस के आसपास स्कूटी लहराई, मरीज के परिवारों को समझाने के बाद बदसलूकी पर उतर आया। इस वाकई की तस्वीर सामने आई है। चालक ने अपनी एम्बुलेंस जो चलती एम्बुलेंस थी उसके सामने अपनी स्कूटी लगा दी, खुद को पुलिसकर्मी बताकर रौब गालिब करने लगा। भोपाल रायसेन रोड का पूरा मामला। एमपी अब तक जारी है, ब्रेक की बारी है।